हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप एक्सरसाइज रूल्स फॉलो कर रहे हो और साथ ही लोअर बॉडी एक्सरसाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आप बस पहले एक बार अपना मेजरमेंट वेट का चेक कर लें और उसके बाद कंटिन्यू ना। सो गाइज, आप जब एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करें तो डेली आपको वेट नहीं नापना है। आप एटलीस्ट 20 या 25 डेज का गैप करने के बाद ही अपना वेट मेजरमेंट करें। आप जब स्टार्ट करते हो उस टाइम कर सकते हो और उसके बाद आप एक महीने के बाद या 20 दिन के बाद अपना वेट ज़रूर चेक किया करिए। आपको वेट मशीन ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए ताकि आप मंथली चेक कर सकें। ये था मेरा योगा का रूटीन और आप इस तरीके से इस ट्रिक्स को फॉलो करिए और आप एक हफ्ते के बाद अपना वेट गेन करिए। ये आपको वेट मशीन इजीली फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। अगर आप चाहते हैं इसका परचेज लिंक तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता पड़ा मुझे, बहुत महंगा नहीं पड़ा ये। तो मैंने वेट अपना जो है नाप लिया है और मैं इससे अपना वेट जो है हर महीने चेक करती रहती हूँ। तो
अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मेरे इस योगा रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आप ज़रूर एक हफ्ते के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक हफ्ते के नहीं तो आप 15 दिन के बाद ज़रूर चेक करेगा, आपको कुछ डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। दूसरी चीज़ कि हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि खाना स्किप करना है। मैंने आपको बताया अगर आप योगा करने के पहले अगर आपको थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो आप दलिया या ओट्स ले सकते हैं। उसके बाद योगा करने के बाद आप कोई भी एक ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है अपना जो है योगा के बाद अपना क्या कहते हैं उसको ब्रेकफास्ट तोड़िए, और उसके बाद फिर आप हेल्दी डाइट में ले सकते हैं। आप 2 रोटी और सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा लें, रोटी कम लें, फाइबर युक्त प्रोटीन लें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही दोपहर के लंच में आप 2 रोटी दोपहर के लंच में आप रोटी ज़रूर लें, चावल कम लें, और गर्म चावल उतना नुकसान नहीं करेगा अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, तो चावल में थोड़ा सा फ़ैट होता है तो जो आपके शरीर को फ़ैट को बढ़ाता है, तो आपके लंच की थाली में आप सैलड ज़रूर रखें, एक कटोरी दाल ज़रूर रखें जिसमें प्रोटीन होता है, रायता रखें, सब्जी रखें, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके खाएंगे तो आप ज़्यादा चावल नहीं खाएंगे, 2 रोटी भी लें साथ में और थोड़ा सा राइस। और उसके बाद शाम को 4 बजे आप कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेना चाहती हैं तो आप कुछ हल्का फुल्का सा बनाइए, ऑयली और जंक फूड से परहेज करिए। लाइक आप झालमुड़ी ले सकते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं जो लाई चने का बनता है उसको ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी 2 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं बटर के साथ। और उसके बाद रात को अपना डिनर 7 साढ़े 7 या 8 मैक्सिमम 8 साढ़े 8 तक अपना डिनर ले लें, ताकि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपको 2 घंटे का रेस्ट मिल जाए आपके स्टमक को, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। शाम के खाने में मैं यही कहूँगी कि बॉयल सब्जी लें, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली नहीं, बहुत सिंपल, और कोई भी सब्जी आपकी फेवरेट, और उसमें हल्का सा ऑयल डाल के और मसाले थोड़े से कम डालें, नेचुरल हर्ब्स ज़्यादा डालें जैसे कि लहसुन प्याज अदरक ये सब चीज़ें, और सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और इसके साथ आप 2 रोटी लें और उसके बाद फिर आप 1 घंटे के बाद दूध ले सकते हैं, या फिर आप जो भी प्रेफर करते हैं लेना। तो उस तरीके से लेने के बाद आप अपना इस तरीके से डाइट चार्ट फॉलो करिए तो आपके वेट लॉस में ज़रूर डिफरेंस समझ में आएगा। और अगर मेरी आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे आपकी फ़ीडबैक का वेट रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।